दोस्तों, आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने वाला हूं जिसका शीर्षक है भरोसा। कल दोपहर की बात है, घर के सामने छोटे से नीम के पेड़ के नीचे मैं खड़ा होकर मोबाइल पर बात कर रहा था। पेड़ की दूसरी तरफ एक गाय बछड़े का जोड़ा बैठा सुस्ता रहा था और जुगाली भी कर रहा था। उतने में एक सब्जी वाला पुकार लगाता हुआ आया। उसकी आवाज पर गाय के कान खड़े हो गए और उसने सब्जी विक्रेता की तरफ देखा। तभी पड़ोस से एक महिला आई और सब्जियां खरीदने लगी। अंत में धनिया मिर्ची न देने पर उसने सब्जियां वापस कर दी। महिला के जाने के बाद सब्जी विक्रेता ने पालक के दो बंडल खोले और गाय बछड़े के सामने डाल दिए। मुझे हैरत हुई और जिज्ञासावश उसके ठेले के पास गया, खीरे खरीदे और पैसे देते हुए उससे पूछा कि उसने 5 रुपए की धनिया मिर्ची के पीछे लगभग 50 रुपए के मूल्य की सब्जियों की बिक्री की हानि क्यों की। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया जी, ये इनका रोज का काम है। 1-2 रुपए के लाभ पर सब्जी बेच रहा हूँ, इस पर भी फ्री ना। मैंने कहा, तो गैया के सामने 2 बंडल पालक क्यों बिखेर दिया। उसने कहा, फ्री की धनिया मिर्ची के बाद भी ये भरोसा नहीं है कि ये कल मेरी प्रतीक्षा करेंगी, क्योंकि ये गाय बछड़ा मेरा जरूर इंतजार करते हैं और भैया जी, मैं इनको कभी मायूस भी नहीं करता हूँ। मेरे ठेले में कुछ न कुछ रहता ही है इनके लिए, मैं इन्हें रोज खिलाता हूँ, अक्सर ये हमको यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए मिलती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मुफ्त में उन्हें ही खिलाना चाहिए जो हमारी कद्र करें और जिन्हें हमसे ही अभिलाषा हो।